These wax wrap, oh my god, they're more sustainable product to pack your lunch, to pack your snacks, to pack anything if you want to. Oh. बीज वैक्स रैप्स एकदम इंडियन सिनेरियो में वेस्ट हैं। मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ये मैडम बीज वैक्स रैप जो वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव है उसको रिप्रेजेंट करेंगी, और मैं हमारे भारतीय पर्यावरण में, भारतीय परिवेश में ये किस इससे भी बेहतर हमारे पास इको फ्रेंडली, और जिसको ख़रीदने के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन या किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही पुराने जो कपड़े हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मैडम शुरू कीजिए। वर्क इन इंडिया बीज वैक्स रैप सीरियसली बेस्ट 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 प्रोडक्ट। हमारे कितनी भी चीज़ें हों, आपको डोसा पैक करना हो, समोसा पैक करना हो, या फिर चपाती पैक करनी हो, या फिर सैंडविच पैक करने हो, दिस इज़ द ऑप्शन बेस्टेस्ट। तो आप अपने जितनी भी ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह की एल्युमिनियम फॉयल या इस तरह की दूसरी चीज़ों में ना पैक करके बीज वैक्स रैप में पैक की गई हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कपड़ा अगर सैंडविच और चपाती में कंपेयर किया जाए तो सैंडविच को जब हम रैप करते हैं तो वो रैपिंग शीट के ऊपर मॉइस्चर नहीं छोड़ता। हम लोग चपाती गरम पैक करते हैं और चपाती मॉइस्चर रिलीज़ करती है। आपने अपने रोटी वाले डिब्बे को इस तरह से अक्सर गीला देखा होगा, वो इसी बात का प्रूफ है। तो अगर हम बीज वैक्स रैप में अपनी चपाती रोल करेंगे तो वो उसको गीला करेगा, क्योंकि बीज वैक्स रैप उस मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ कपड़ा ना सिर्फ रोटी को गर्म रखेगा बल्कि उसको नरम भी रखेगा। वो उसमें से जो मॉइस्चर, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो रोटी रिलीज करेगी उसको सोख लेगा, तो वो गीलापन आपको महसूस नहीं होगा। तो इंडियन सिनेरियो में कपड़ा मलमल का सबसे अच्छा, और आप दूसरे भी कपड़े यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मलमल का अगर नहीं है तो बस दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मलमल का है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो दूसरा यूज़ कीजिए। हाउ टू मेक, सीरियसली बीज वैक्स रैप बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। बीज वैक्स रैप खरीदिए, आई नो वो आपके पास वाली मार्केट में नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, आप वहाँ से बिल्कुल भी मत लें। हाँ, तो ऑनलाइन खरीदिए कोई भी आपके घर में कपड़ा हो सुंदर सा, प्यारा सा, या फिर आप मार्केट से इस तरह से क्रिएटिव से सुंदर से नए कपड़े भी लेके आ सकते हैं। उनको इस तरह से डिज़ाइनर कट में डालिए, उसके बाद ऊपर इसके बीज वैक्स फैलाइए और इसको बेक कीजिए थोड़ी देर के लिए, और बेकिंग के बाद इनको बस सूखने दीजिए और आपका बीज वैक्स रैप रेडी है। सिंपल। या फिर आप ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्लॉथ नैपकिन बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में जो पुरानी पड़ी हुई चद्दर है या पुराने कॉटन के जो आपके कुर्ते हैं, आप उन्हें काटिए पीटिए और दर्जी को बोलिए। इस टाइप के रोड साइड पे आपको बहुत सारे दर्जी मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और अपने कपड़े सिलवाइए, और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। रेडीमेड जो जितने भी कॉटन नैपकिन्स होते हैं वो उनकी जो सिलाई होती है आखिर से वो उधड़ जाती है और वो ज़्यादा रहते नहीं हैं। दूसरा, ये थोड़े मोटे होते हैं, जो इनका फैब्रिक होता है वो भी काम चलाऊ सही होता है। अगर आप अच्छा भी लेते हैं तो ये मोटे 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 होते जाते हैं, जो कि हमारे इस तरह के टिफ़िन बॉक्स में नहीं आ पाते हैं। तो उस केस में सबसे अच्छा यही होता है कि आप अपने घर में जो भी आपको कुर्ता या चद्दर इस तरह की लगती है, वाइट चद्दर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, वो ज़्यादा देर तक आपको सर्व करेंगे, वो उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। वॉशिंग, ट्रस्ट मी, बीज वैक्स रैप को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इनको वॉश कर करके दोबारा दोबारा जितनी बार चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग बहुत ही सिंपल है, आप इनको पानी में धो के इस तरह से सुखा सकते हैं, ये बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, और आप इनको बार 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 यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल। जो पेपर टिश्यूज़ होते हैं उनकी भी अपनी कॉस्ट होती है, पेपर को हमें इस तरह से देखना चाहिए। पेपर आपकी जगह पर आप बीज वैक्स रैप से यूज़ कीजिए। पर क्या आप बीज वैक्स रैप को वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं? मैं अपने कॉटन के जितने भी पोने या जिनको आप किचन नैपकिन्स कहते हैं, मैं उन्हें वॉशिंग मशीन में ही साफ़ करती हूँ। सबसे पहला लोड वाइट्स के साथ इन्हीं का होता है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए,
और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लोड नहीं होता है कि हाय इनको भी साफ़ करना है, इनको भी एक्स्ट्रा से वॉश करना है, वो चीज़ नहीं रहती। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाइजेनिक प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं तो आप इनको हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं, हाथ से भी धो सकते हैं। मुझे इस चीज़ में ज़्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि पहला वॉश मेरा किचन कपड़ों का ही होता है और दूसरे कपड़े आने से पहले ही मैं इन्हें वॉश कर देती हूँ। गुड फॉर फूड रैप्स, सीरियसली बीज वैक्स रैप में किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। बीज वैक्स इस तरह के जो बीज अपना घर बनाने के लिए जो वैक्स प्रोड्यूस करती हैं वो है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं, तो आपके खाने को किसी भी तरह से वो कंटामिनेट नहीं करता है। तो आप बीज वैक्स रैप्स खुल कर यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फेयर ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल एक्सपोजर। भारत में ऑन एवरेज टेम्परेचर हमारे हाथ में जितनी गर्मी होती है उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो ये बीज वैक्स रैप उस आपकी चपाती के ऊपर स्टे करेगा, रुकेगा, उसको वैसे ही होल्ड करके रखेगा जैसे कि हम उसको चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है, सॉरी, ये इतना इंडियन इन्वायरमेंट में उतना प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अगर आप किसी ठंडी जगह पर रहते हैं तो बिल्कुल करेगा, लेकिन हम जैसे गर्म देश में ये कैसे चलेगा, आप खुद सोचिए ना थोड़ा। लोगों को चीज़ बेचनी है तो वो कुछ भी अंडशंड बोलेंगे, लेकिन हमें तो हमारे पर्यावरण और हमारी जो टेम्परेचर, जो जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उस हिसाब से सोचना चाहिए ना। डोंट बी अ वोक, दिस रियली सीरियसली समथिंग। मैं इसको इतने अच्छे अच्छे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, ज़ीरो वेस्ट रैपिंग पेपर, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और ये उन्हीं पुराने कपड़ों में घुसी हुई है, वो कपड़े टू मिडिल क्लास, यू नो। एंड ज़ीरो वेस्ट इज़ नथिंग अबाउट टू लुकिंग अगली, ज़ीरो वेस्ट यू शुड मेंटेन योर स्टैंडर्ड्स, यू नो। ज़ीरो वेस्ट हर सिनेरियो में बदल जाता है, आपका पर्यावरण अलग है, आपकी आबोहवा अलग है, आपका रहन सहन अलग है, आपकी ज़रूरतें अलग है, आपका खान पान अलग है, तो वो बन के अपने जो देखने का नज़रिया है उसको ऐसे घोड़े के जैसे मत कीजिए, प्लीज़ उसको खोलिए। आपके आसपास सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग क्या करते थे, वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो आपके जो मैं आपके पेरेंट्स में भी इस सिनेरियो में ढल चुके हैं, वेस्टर्न सिनेरियो में, जो हमारे पारंपरिक तौर तरीके थे रहने के में भी वो उस तरह से ना रहते हों, लेकिन आपके नाना नानी दादा दादी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसी तरह से रहते होंगे। हमारे गांव के लोग, उनमें वो जो सादापन है, जो एक धरती से पर्यावरण से जुड़ाव है, वो लोग ही हमें सही में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिकल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो सो कॉल्ड इस तरह से सिर्फ सुंदर दिखना उनका मोटिव नहीं है, उनको सुनिए। मेरा मोटिव यहाँ पे किसी को भी डिमीन करना या कम करके दिखाना नहीं है, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस भेड़ चाल में जिसमें हम दौड़ रहे हैं, नया 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 सस्टेनेबल 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 के चक्कर में, हम वो ना पीछे छोड़ दें जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी आबोहवा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। हम एक गर्म देश में रहते हैं, हमारी ज़रूरतें अलग हैं, हमारी देखने का नज़रिया अलग है, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिलती हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हमें वो यूज़ करना चाहिए, ना कि वो जो इंस्टाग्राम में सुंदर दिखती हैं। हर चीज़ सुंदर दिखे ज़रूरी नहीं होता है, हाँ, लेकिन सस्टेन वही करती हैं जो हमारे पर्यावरण के हिसाब से, हमारे खान पान के हिसाब से चलती हैं। तो बीज वैक्स रैप ना ही हमारे पर्यावरण के हिसाब से है क्योंकि हम एक गर्म देश में रहते हैं, और ना ही हमारे खान पान के हिसाब से सही है क्योंकि हम गर्म चीज़ों को ही पैक करना पसंद करते हैं, हमारी चीज़ें इस तरह से सूखी नहीं होती हैं हर बार। हाँ, वो भी होती हैं, लेकिन हर बार हम लोग सैंडविचेस जैसे जो मॉइस्चर रिलीज नहीं करता उस तरह का खान पान नहीं लेके जाते या नहीं पसंद करते, हमारी खान पान की ज़रूरतें अलग हैं, तो उसका रैपिंग स्टाइल भी
हमारे भारतीय परिवेश के हिसाब से कितना सही है वो होना चाहिए। धन्यवाद।